सही बात है। मैं आपके सामने इसी वक्त अम्बेडकर जी को फोटो को उठा क्या बात है देख सकते हैं जे भारत के खबर का बड़ा असर तुरंत हो रहा है। जे भारत की जो फोटो थी यहाँ पे रखी गई थी अम्बेडकर जी की, खबर सवाल पूछने पर ही रामधनी जी को ये एहसास हो गया कि अम्बेडकर जी को भी पूछना चाहिए। हाँ, अभी तो बहुत से लोग मुझे पागली घोषित कर रहे हैं। हाँ, कि ये पगला गया है, मतलब ठीक है आपको कहते पगला गया है, पागल तो आप क्या कहते हैं? हम बोले कि जब पागल हो गए हैं तो ठीक है कर लेने की बात है, नहीं करेंगे मतलब जब पागल हो गए हैं तो। हाँ। अब जब लोग पागल ही घोषित कर देंगे तो पंडाल उंडाल कहाँ से लगेगा मतलब। तो आगे मतलब आपकी अपनी विचारधारा है कि लोगों की विचारधारा, इसमें लोगों की विचारधारा तो है ही नहीं, आपकी पर्सनल है तो आप पर्सनल पंडाल लगाएंगे कि नहीं इस बात को बताइए। लोगों की विचारधारा इसमें नहीं है, उससे हमसे मतलब नहीं है और ये मेरा व्यक्तिगत और पर्सनल मामला है। पूरे देश में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जा रही है, दुष्टों के संहार करने वाली माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है। लेकिन जौनपुर में एक नया मामला सामने आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शख्स हैं जो फूलन देवी का पूजा करते हैं। आप फूलन देवी का पूजा कर रहे हैं, नवरात्र का महीना चल रहा है, सभी लोग माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा कर रहे हैं, आप फूलन देवी की पूजा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं क्यों रामधनी बिंद भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, शारदीय नवरात्र चल रहा है, सब आपकी अपनी अपनी आस्था है, मेरी भी आस्था दुर्गा जी में है क्योंकि मेरे घर के नीचे माँ दुर्गा जी की मूर्ति है, आप लोग आए होंगे देखे होंगे, लेकिन सुबह शाम वहाँ भी पूजा होता है। और मुझे फूलन देवी जी हमारे समाज की आइडियल हैं, मैं उनको आइडियल मानता हूँ और पूरा समाज मानता है। जैसे फूलन देवी जयंती के अवसर पे हमारे मछुआ समुदाय में सब उनको जयंती मनाते हैं और शादी दिवस मनाते हैं, अच्छे ढंग से मनाते हैं मतलब, ठीक है। तो भाई, फूलन देवी जी ने जो संघर्ष किया वो किसी शक्ति से कम नहीं है, तो मैं इन्हीं को मतलब अपनी आस्था, मेरा निजी मतलब मेरा वो है कि मैं इनको रख के मतलब पूजने का काम कर रहा हूँ, कि मैं सोचता कि मेरे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि या मतलब एक मेरे लिए मैं उनके लिए मेरी सबसे बड़ी उपाधि या सम्मान, इससे ज़्यादा बढ़ के मैं उनको पूज के दे सकता हूँ मतलब, ये मतलब फूलन जी को मेरे प्रति एक सम्मान है मतलब, कि मैं उनको देने का काम कर रहा हूँ, मेरे से कोई किसी को ठेस पहुँचाने का काम नहीं है। यहाँ हमें जो सबसे बड़ी कमी लगी कि आप देख सकते हैं एक तरफ हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा वेणु केवट और दूसरी तरफ हैं फूलन देवी जी, तो वहीं आप देख सकते हैं संविधान के रचयिता की फोटो आपने कहाँ रखी हुई है, एक बड़ा सवाल है, आप बताएंगे इसके बारे में? उसके बारे में हम जरूर बताएंगे भाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी हमेशा कहा था मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मेरे विचारों को आप लोग आगे बढ़ाइए। तो लेकिन एक सम्मान जो आप फूलन देवी को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दिल में लग रहा होगा कि नहीं ये गलत हो रहा है? देखिए, अब मैं इस बात को आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ। आपको बात मान रहा हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे तमाम महापुरुषों के फोटो लाइन से रख देना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन अब क्योंकि जो संविधान का रचयिता आप देखेंगे तो यहाँ पे कूड़ा रखा गया, आप देख सकते हैं कूड़ा है, देखिए आपने जहाँ रखा है कूड़ा नहीं है, वो सब पार्टी के फाइल कापी किताब है मतलब, ठीक है। अब वो फोटो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन उसको हमने यहाँ रखा है ताकि हम जब भी अम्बेडकर जयंती होती है कुछ ऐसा होता है उसको हम सम्मान, जयंती आती है जयंती की बात अलग है, जब हम किसी की पूजा तभी करेंगे, किसी के विचारों को तभी मानेंगे जब किसी की जयंती होगी, पुण्यतिथि होगी, क्या सही है? जब हम किसी को मानते हैं तो 24 अगर हम माता पिता को मानते तो भाई हमारे माता पिता हमेशा के लिए है ना, वो एक दो घंटे के लिए या जयंती के लिए, मदर डे फादर डे के लिए तो नहीं है। देखिए, आज जयंती क्यों मनाई जाती है? जयंती के माध्यम से लोग को इकट्ठा करके उनके विचारों को समाज में बताना मतलब, जी ठीक है, इस जयंती का मकसद यही होता है, इसीलिए जयंतियाँ मनाई जाती हैं, चाहे कोई भी डे हो मतलब, उस चीज़ के उद्देश्य को और उनके मिशन को बताना। हाँ, और अम्बेडकर जी की चाहे मिशन हो उसको हम लोग दिल में बसते कि उनके विचारों पर चलना मतलब, यह जरूरी नहीं है कि उनको रख के पूजा किया जाए या फिर घड़ी घड़ी वो किया जाए मतलब। वीरांगना फूलन देवी जिनको आप पूज रहे हैं उनके विचारों पे भी आप चलेंगे? वो डाकू थी, उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने गोली मरवा दिया था, उनके हम यह नहीं कह रहे कि हम बंदूक है गोली मार लेंगे, लेकिन उनमें एक बहुत एक खास बात प्रेरणा लेने की बात है, वह है कि संघर्ष करना, संघर्ष करना, किस तरह उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए मतलब संघर्ष किया मतलब, और संघर्ष करते करते वो सदन सांसद ही बन गई। बताइए, अगर डकैत
अगर जनता उनको मानती तो दो बार वो सांसद नहीं बनती थी। जनता ने उनको सदन में भेजने का काम किया। जब डकैत थी क्यों ना लोग जनता ने उनको सांसद चुना, मतलब नहीं भेजना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी तो है, उसी अच्छाई को देख के मतलब उनको हमारे समाज की हैं, इसलिए हम अपने उनको सम्मान देने के लिए मतलब अपने व्यक्तिगत और मेरा पर्सनल व्यक्तिगत के लिए अपने बंद कमरे में उनकी मैं आराधना कर रहा हूँ। मतलब तो आगे से आप क्या करेंगे, अंबेडकर जी को भी यहाँ पर रखेंगे, क्या करेंगे, क्या करने वाले? आगे से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी गलती को अवगत कराया। अंबेडकर जी को नहीं, जितने हमारे समाज के महापुरुष हैं उन सब का मैं सम्मानजनक मैं यहाँ पे बड़ा रखूंगा। देखिए जे भारत न्यूज के सवाल का एक बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं रामधनी जी। रामधनी जी जो अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के फोटो को वहां पर रखे हैं, अब ठीक उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी को भी पूजेंगे, सही बात है? मैं आपके सामने इसी वक्त अंबेडकर जी को फोटो को उठा, क्या बात है, देख सकते हैं जे भारत के खबर का बड़ा असर तुरंत हो रहा है। जे भारत की जो फोटो थी यहाँ पे रखी गई थी अंबेडकर जी की, खबर सवाल पूछने पर ही रामधनी जी को ये एहसास हो गया कि अंबेडकर जी को भी पूजना चाहिए। व्यक्ति वही है जो अपने गलती को कबूल कर ले हुए और उस पर अपने गलती को कबूल करके उस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। मैं अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, इसलिए मैं आर भारत जो भी है आपका चैनल उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरी गलती को एहसास कराया, इसलिए मैंने अंबेडकर जी को भी सम्मान दिया। जो भी शोषित है, अति पिछड़े समाज हैं और जो भी लोग मतलब हैं, तो जाति पात धर्म से उठ के मानव जाति हमारी धर्म है, जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। सभी समाज के लोग भारत के संविधान के अनुसार और एकता इस भारत में दिखाएं। आज जिस प्रकार राजनीति को लेकर तमाम नेता राजनीति रोटियां सेकने काम कर रहे हैं, या उनके चक्कर में न पड़ के मानवता जो मतलब हमारी जात दो ही है, नर औरत और आदमी दो ही जात है, मतलब इसके अलावा कोई जात नहीं है। और उसके बाद तो जितनी बन रही हो तो अपने अपने रोटी सेकने के लिए और राजनीति करने के लिए तमाम लोग अपना अपना जाति व्यवस्था बना रहे हैं। मतलब आज उत्तर प्रदेश में चुनाव तो जाति देख के टिकट दिया जाता है, जाति समीकरण होता है, जाति देख के पार्टी गठबंधन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए और एक संविधान संशोधन। कैसे खत्म हो जाएगा जब लोग पार्टी ही देखकर, जाति देख करके लोगों को पार्टी में ले रहे हैं, पार्टी देख कर सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए संविधान के अनुसार जिसको सम्मान के अनुसार संविधान के अनुसार हक अधिकार हर वर्ग को जिस दिन मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन सब कुछ बराबर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत से जाति के वर्ग के लोग मतलब अपने हक अधिकार से वंचित हैं, बहुत से लोग वंचित, उन्हें आता कुछ मिला जैसे एक मुसहर जाति है तो सबसे वंचित है। मतलब उसको मुसहर का नाम सुन के ही मतलब उससे घृणा करने लगते हैं। मतलब आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है। मतलब तो इसीलिए हम चाहेंगे कि मतलब जाति व्यवस्था खत्म करके संविधान में एक ऐसा एक नियम आना चाहिए कि जो भी जाति व्यवस्था का वो करे वो मतलब जाति के नाम पे, लेकिन उससे पहले सभी जाति वर्ग को हक अधिकार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो तो संविधान के अनुसार मिल ही रही है, कहाँ मिल रही है? कहाँ नहीं मिल रही? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ नहीं मिल रही। अब मैं एक राजनीतिक छोटी सी बात बता दूँ, मैं एक बिंद समाज से हूँ, ठीक है, हमारी जनसंख्या पूर्वांचल में काफ़ी है, भाजपा को हमारे लोग बहुत तोड़ दिया, लेकिन किसी भी बिंद विधायक को या नेता को भाजपा की सरकार ने मंत्री नहीं बनाया, न सपा ने MLC बनाया, न बसपा ने सम्मान दिया। इसी तरह चौहान समाज है, प्रजापति समाज है, लोहार समाज है, ये सब राजनीति में ये नगण्य के बराबर हैं। आखिर में ये भेदभाव क्यों? कि हमारे से वोट चाहिए, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। हमारे लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं, आज तमाम नौकरियां भरते हैं वो छट जाते हैं, क्यों छट जाते हैं? जिस दिन सबको बराबर हम कहते हैं राजा आप बने रहिए, ठीक है, कम से कम सेनापति तो हमारे लोग को बनाइए, कम से कम हमारे लोग नहीं। लोकतंत्र में कौन राजा है? जनता राजा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता खाली वोट देने तक ही राजा है, हाँ। उसके बाद राजा नहीं रहती है, उसके बाद जो बन जाता राजा विधायक सब बन जाते हैं, जनता माने कुछ। आप जिस विधायक के पीछे, जैसे मैं एक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ठीक है, क्या बात है? मैं बता रहा हूँ कि जब विधायक जब नेता के पीछे चुनाव आता है तो नेता जनता के पीछे भागती रहती है, मतलब राजा सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जब जीत के चले जाता है तो वही नेता जनता को पहचानने से इनकार कर देता है। आप एक तरफ दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ
फूलन देवी की पूजा कर रहे हैं, इनमें जब माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो वो भी तो राक्षसों का अंत की थी। तो हम कहाँ कर, हमने कब ने कहा कि नहीं पूजा कर रहे हैं, हमारे घर नीचे मंदिर है, वहाँ सुबह शाम आरती अगरबत्ती सब, सब 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 कुछ होता है, लेकिन राक्षसों का उन्होंने वध किया। लेकिन जैसे हमने कहा कि ये हमारे समाज के आइडियल हैं, हम उनको प्रेरणा मानते हैं, और निषाद समाज बिंद समाज में हम आज सब उनको फूलन देवी को अपना मतलब बहुत क्या बोलते हैं ना, उनको सम्मानजनक एक इतिहास के रूप में एक शक्तिशाली नारी के रूप में यह समाज मानता है। और इस शक्तिशाली नारी को सम्मान देने के लिए, इस शक्तिशाली नारी को सम्मान देने के लिए मैं एक छोटा मोटा जो मुझे लगा है वो अपने ढंग से, किसी को हमने बुलाया नहीं कोई विधि विधान से। आप दीप रखे हैं, कलश रखे हैं, बिल्कुल उसी तरह से पूजा भी कर रहे हैं जैसे माँ दुर्गा की पूजा होती। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इस पूजा को आप आगे भी कर सकते थे और पीछे भी समय गया उसमें भी कर सकते, फिर नवरात्र में ही क्यों पूजा कर रहे हैं? क्या ये कोई किसी प्रकार का ढोंग है? नहीं देखिये, ढोंग का सवाल नहीं है, अपनी अपनी आस्था है। हम जैसे कहा कि फूलन देवी जी को हम लोग अपनी एक शक्ति मानते हैं। सवाल करेंगे कि आप नवरात्र में ही ये पूजा क्यों कर रहे हैं? भाई नवरात्र में हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्होंने संघर्ष किया वो कोई आम नारी नहीं कर सकती है, बहुत उसके लिए धैर्य चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनमें कोई शक्ति होगी, या मतलब जो इन्होंने धैर्य दिखाया तो उनको हम सम्मानजनक करने के लिए हम 9 दिन इनकी पूजा कर रहे हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत और पर्सनल मामला है जो हम घर में रख के पूजा कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता जो सनातन धर्म के लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे कि जैसे माँ दुर्गा की पूजा होती है, जैसे चुनरी उनको उड़ाई जाती है, ठीक उसी तरह से आप कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उनको ठेस पहुँचेगा इस बात को लेकर माँ दुर्गा को? देखिए, किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं भी, हमारे घर में दुर्गा जी की मूर्ति है, और आज भारत के अंदर हर धर्म के लोग अपनी अपनी आस्था, सब लोग अपने अपने ढंग से अलग अलग की पूजा करते हैं मतलब। हाँ, तो मेरी भी अपनी आस्था हो गई, मन में आ गई, चलो ठीक है हम भी मतलब पूजा करते हैं, और मतलब इससे बड़ा सम्मान मैं फूलन देवी जी से कुछ नहीं दे सकता हूँ मतलब। हाँ, तो मैं उनको एक सम्मान देने के लिए मैंने अपना या छोटा मोटा मैं उनको पूजा हूँ नवरात्र में मतलब। क्या आप किस विधि विधान से करते हैं? भाई हमारा एक साधारण सा विधि विधान है मतलब, अगरबत्ती दिखाना, कपूर से आरती करना, बस इससे कुछ नहीं। शंख उंख भी रखे हैं? हाँ, शंख रखते हैं, बजा देते हैं। अच्छा ठीक है, एक बार दर्शकों को बजा दिखाइए कैसे बजाते हैं। राम धनी बिंद जी, देखिए फूलन देवी की पूजा करते हैं और शंख बजाते हैं। देखिए राम धनी जी अब शंख बजाएंगे, क्या बात है। क्या बात है, आप देख सकते हैं राम धनी बिंद जी हैं, जहाँ नवरात्र में लगातार लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, फूलन देवी की पूजा कर रहे हैं। इनका मानना है कि इन्होंने भी दुष्टों का संहार किया था, इसलिए ये पूजा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता, बहुत सारी नारी होंगी तो आप उनको भी शामिल कर सकते थे? देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारे समाज की हैं, ठीक है, आप समाज में कहीं ना कहीं आप जातिगत रूप से लोगों को बांट रहे हैं। अगर कोई सिर्फ परशुराम को पूजने लग जाए, कोई श्री कृष्ण को ही सिर्फ पूजने लग जाए, कहीं ना कहीं आप जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ऐसा कहकर कि ये हमारे समाज की हैं? जातिवाद का हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, हर जाति में लोग का अपना अपना अपने उनको लोग मानने वाले हैं। हाँ, जैसे हर जाति के लोग उनके अपने देवता है, देवी देवता है मतलब, सब अपने अपने से मन कहते हैं। आज भारत में हर ढंग के, कोई बौद्ध को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, मुसलमान है, सिख धर्म है, मतलब हर लोग को मानते हैं, अपने ढंग से मानते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि नहीं ठीक है, शारदीय नवरात्रि चल रही है और दुर्गा जी को तो हम पूछते ही हैं, लेकिन फूलन जी को हम एक सम्मान देने के लिए, जो हमारा मछुआ समुदाय है, और एक मैसेज देने के लिए, नहीं ठीक है फूलन जी को भी हम सम्मान हमें देना चाहिए, और ये अपना छोटा मोटा हम अपने ढंग से उनको एक बंद कमरे में अपना पूजा कर रहे हैं। जब आप ये पूजा कर रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों को अपलोड किया, लोग देख रहे हैं तो आपको क्या कह रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया आ रही होंगी? अब उसमें कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग पागल कह रहे हैं। किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, किस तरह से लोग, घर परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, घर परिवार लोग का क्या रिएक्शन है, तो बोले कि भाई हमारी मर्जी है, आप किसी को पूजे मतलब, लेकिन माता पिता होंगे घर में,
बीबी होगी, बच्चे होंगे, उनका क्या रिएक्शन है? उनका रिएक्शन, वो लोग भी क्या आते हैं पूजा करने के लिए सिर्फ आप अकेले? नहीं, वो लोग नहीं आते हैं, कि वो लोग तो अपना नीचे सब पूजा पाठ करते हैं और हम भी सुबह शाम जाके वहाँ आरती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पहले वहीं करते हैं फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे कोई आता वाता नहीं, कि हम अकेले रहते हैं मतलब, और कोई हमारे परिवार से कोई वो नहीं है कि भाई। तो क्या इसे आप और आगे तक ले जाएंगे, क्या आपने समाज में इसको और बढ़ाएंगे, मतलब क्या विचारधारा लेकर के आप इस? देखिए, ये हमने पहली बार किया और इसका क्या संदेश जाता है और क्या सही, अगर सही संदेश गया है कि खराब संदेश गया, कुछ अभी पता चला नहीं है। हाँ, अभी तो बहुत से लोग मुझे पागल ही घोषित कर रहे हैं। हाँ, कि ये पगला गया है मतलब, ठीक है, आपको कहते पगला गया है, पागल, तो आप क्या कहते हैं? हम बोले कि जब पागल हो गए हैं तो ठीक है, कर लेने की बात है, नहीं करेंगे मतलब, जब पागल हो गए हैं तो। हाँ, जब देखिए आस्था की बात होती है, अपनी अपनी आस्था होती है, और हमने अपनी आस्था फूलन जी को सम्मान देने के लिए अपनी, ये हमारी आस्था है, किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। क्या बात है, तो आगे क्या मूर्ति उर्ति भी बनवाने का प्लान है क्या? इसी तरह जैसे माँ दुर्गा की पूजा होती है, आप देखेंगे कि गदा होता, त्रिशूल होता राक्षसों के लिए, क्या इस तरह का भी प्रतिरूप दिया जाएगा? नहीं, इसको बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं मतलब, कि प्रतिरूप दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये तो मैं तो फोटो शिव रख के मतलब अपना जो भी हम अपन कर रहे हैं, अब इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं कि क्या इसकी प्रक्रिया होगी। मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को लोग मतलब एक्सेप्ट करेंगे, अब जहाँ तक है लोग इसका विरोध ही करेंगे मतलब। हाँ, हमने एक फोटो डाल के देखा तो लोग पागल ही कर रहे हैं, विरोध ही कर रहे हैं, पागल ही कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मतलब। तो लेकिन मेरे लिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है मतलब। हाँ, ये मेरी एक आस्था है, इसलिए बंद कमरे में मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे दिखाना दुनिया को होता तो बाहर पंडाल फंडा लगा के अच्छे ढंग से करता मतलब। क्या आगे, आगे क्या प्लान है, आगे पंडाल उंडाल लगाएंगे अगले साल? अब जब लोग पागल ही घोषित कर देंगे तो पंडाल उंडाल कहाँ से लगेगा मतलब। तो आगे मतलब आपकी अपनी विचारधारा है कि लोगों की विचारधारा, इसमें लोगों की विचारधारा तो है ही नहीं, आपकी पर्सनल है, तो आप पर्सनल पंडाल लगाएंगे कि नहीं, इस बात को बताइए। लोगों की विचारधारा इसमें नहीं है, उससे हमसे मतलब नहीं है, और ये मेरा व्यक्तिगत और पर्सनल मामला है, और पर्सनल होने के नाते भाई मेरी है, फोटो रख के पूछ रहा हूँ मतलब। मतलब हाँ, लोग अपने माँ बाप को पूछते हैं, लोग अपने माँ बाप को भी पूछते हैं मतलब, ठीक है, ये हमारी माँ है मतलब, फूलन देवी को मैं अपनी माँ मानता हूँ, फूलन देवी को मैं अपनी माँ मानता हूँ, मैं अपनी माँ को पूछ रहा हूँ मतलब। अपनी माँ को पूछने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जब नवरात्र खत्म होगा फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, रामधनी जी क्या करेंगे? देखिए, मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, नवरात्र खत्म होने के बाद मैं अपने पार्टी के संगठन के लिए काम में लग जाऊंगा, और 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में हम तैयारी करेंगे। मतलब कि कहीं ये टीआरपी पाने के लिए मीडिया में इस तरह की चीज नहीं होती? देखिए, अब टीआरपी अगर पाना होता तो न जाने, आप लोग का तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोग छोटे मीडिया वाले हो और आप लोग इसको दिखाने के लिए आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर टीआरपी की बात होती तो सोशल मीडिया पे फोटो कई दिन से चल रहा है, बड़े बड़े एबीपी न्यूज़ वाले और आज तक वाले तमाम धमक जाते हैं मतलब। हाँ, या फिर हम पैसा दे के मतलब बुला लेते टीआरपी मतलब, 10,000 खर्च करते, बड़ा चैनल आ जाता था, लेकिन हम तो आपको बुलाए नहीं, आप लोग स्वयं अपने आप आए हो। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोग जो मेरी इस बात को दिखा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ मतलब। इसी को टीआरपी का मैं कोई इरादा है नहीं, अगर होता तो मैं आप लोगों को पहले फोन बुला लेता ना। आज आखिर में 4 दिन नवरात्र के बीत गए, क्यों मैं पहले दिन ही आके सबको बुला लेता मतलब। लेकिन ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है, मेरी पर्सनल आस्था है और मेरी पर्सनल श्रद्धा है। हर आदमी अपने आप में कार्य करने के लिए आज़ाद है, हर चीज़ के लिए मतलब। क्या बात है, एक फोटो रखी गई है चक्रवर्ती सम्राट महाराजू वेणु केवट जी, इनके बारे में थोड़ा बताइए। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा वेणु केवट जी, ये महाराजा ध्रुव, जो विष्णु पुराण में आपकी इनकी कहानी मिलेगी मतलब, ध्रुव के लड़के हैं महाराजा वेणु जी हैं, और वेणु जी के 2 लड़के होते हैं, एक पृथु एक निशीद, निशीद से निषाद बना है, और पृथु से मतलब जो पृथु भगवान जो पूरे धरती को समतल करने वाले वो पृथु हैं। हाँ, हम अपने आप को इनके वंशज मानते हैं, हम इनके वंशज मानते हैं, इसलिए हमने इनकी भी यहाँ फोटो इनको रखा है। क्या बात, मतलब कि आप बहुत नाराज रहते हैं नेताओं कुल मिला करके, आप देख सकते हैं रामधनी बिंद जी हैं, नवरात्र का महीना चल रहा है, ये माँ दुर्गा की जगह फूलन देवी की पूजा कर रहे हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं।